आप इसका नाम क्या रखोगे? इसका नाम है पॉकेट रॉकेट। पॉकेट रॉकेट वो घोड़ा दूसरा होता है भाई। ये पोलो ग्राउंड है यहाँ का और उसका व्यू ये आता है। असद ये पैदल बंदा इसे जीजे पोजीशन तेरी जोकीज वाली है। देर से ना चला नहीं जा रहा और जोकी वाली पोजीशन पे आ। हाँ जी इसको रोकना कैसे भाई? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद पोलो क्लब और आपको दिखाते हैं आज उसकी वाइब्स। और हम सब भाई साहब को छोड़ने आए थे और फिर उसके बाद थोड़ी अपनी एक्टिविटी करने आए हैं। हमारे साथ है हमारे स्पेशल दोस्त शेख साहब, जिनका यहाँ पर पोलो क्लब में टीम है और ये उसके मेंबर हैं, पोलो खेलते हैं ये। और ये उनका है अस्तबल, ये उनके प्यारे प्यारे से हॉर्सेस। असद से इस्लाम, सलाम अलैकुम एवरीवन। कामिल, सफ़ीर, अब हम सिलेक्ट करेंगे अपना अपना घोड़ा। वेल असद भाई साहब के साथ तो काफ़ी फ्रेंडली हो गया ये, लेकिन इनको ये वाला घोड़ा नहीं मिलेगा। आप इसका नाम क्या रखोगे? इसका नाम है पॉकेट रॉकेट। पॉकेट रॉकेट वो घोड़ा दूसरा होता है भाई। वेल हमारे लिए वो राइड्स, हॉर्स राइड्स तैयार हो गई हैं। ये शेप भाई मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ दो, तो वो चले गए हैं भाई। आपने नाम रखे हुए हैं इसके मुख्तलिफ? शेक्स पोलो जो सबसे बेस्ट है ना राइडिंग वाइज, वो है बच्चा, उसका नाम रखा हमने बच्चा। बच्चा हाँ, वो है बहुत प्यारी राइड है उसकी और बहुत अच्छा राइड, ज्यादा अच्छी आती है। हाँ, वो नए बंदे को आराम से पिक कर लेता है, कोई टेंशन नहीं, बक नहीं मारेगा। नहीं मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें। ये वाले जो है ना, ये थोड़े से कह लें कि अग्रेसिव है थोड़े ज्यादा, तो ये मस्ती करेंगे। कलर देखे, ये यूनिक कलर है, ये आपको यहाँ पर 90% घोड़े में नहीं मिलेगा, बाकी तो ये सारी। ये इनका क्लब, सॉरी टीम है ना? हाँ जी। और जो यहाँ पर इस्लामाबाद क्लब का पोलो ग्राउंड का व्यू है ना, ब्यूटीफुल, खूबसूरत व्यू है, ब्यूटीफुल। सो बी बॉय यार, क्या है लाइक? यार मैं इसका इतना एक्सपर्ट हूँ कि मैं इशारा करता हूँ ये भाग जाते हैं। हाँ आई नो, तूने तो डायनासोर टेम किए हैं। मैंने पूरे पूरे ट्रेन किए हैं, टेम किए हैं, उनको उंगलियों पे बटाता था। गाइस ये दिखाने का मकसद ये है कि मैं अपने व्यूवर्स को भी ये दिखाऊं, जो लोग यहाँ से नहीं हैं या जिनका जो मेंबर्स नहीं हैं वो ये जगह को एंजॉय कर सकते हैं इस व्लॉग में। व्यू देखो वो सामने, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ना। और ये पोलो ग्राउंड है यहाँ का और उसका व्यू ये आता है। अभी हम अरीना में जाएंगे क्योंकि वहाँ पर ना मट्टी रेत वगैरह होती है, खुदा ना खास्ता गिर जाए तो हड्डी हुड्डी बस टूटे। अजय देवगन अजय का दिन गन तो अभी देखते हैं, लेट्स सी, आपको दिखाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ जी असद, तूने तो वो पॉकेट रॉकेट, मैंने तितली घोड़ा लिया। कॉस्ट्यूम हाँ, हम हॉर्स राइडिंग के लिए जो कपड़े पहन के आए हैं ना। सो हु इज गोना बी द फर्स्ट राइडर? सच बताना। अच्छा किस किस की जान जा रही है? मैं तो नहीं, तुम नहीं करोगे राइडिंग? तो इसी के नीचे आ जाओ भाई, इसी के नीचे आ जाओ। वेल पहली कुर्बानी कामिल भाई देंगे।
अच्छा तुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं हॉर्स राइडिंग का? यार मैं करता रहा वहाँ पे, उस्मान भाई का है, उस्मान भाई शायद ब्लॉग देखते हैं, उनके कंस्टेबल पे जाते हैं। अशरफ भाई के अपने घोड़े हैं दो। ओ अशरफ भाई के, एक था तालिबान दूसरा बादी। बादी वेल अब बस जाएगा इसके बाद, हम दोनों भाई बाद में जाएंगे। हाँ सुफीर अपना पूरा सीन बनाएंगे, इनको बताएंगे भी ऐसे हॉर्स राइडिंग होती, सीख ले कैसे। अच्छा जा क्यों नहीं रहे? मुझे वो घोड़ा चाहिए, इसको रेडी करो प्लीज। कौन सा? वो जो ग्रे वाला। अच्छा ये वाला अग्रेसिव लग रहा है मुझे, कुकू घोड़ा। तो हम हैं वॉलंटियर्स इस टाइम और ऑडियंस बन के राइड करने लगा। अगर किसी ने तो कॉमेडी की थी या मेरा मजाक उड़ाया सही है ना, तानू पता मेरे तो बड़ा फिर कोई नहीं मस्करा। वो कह रहे हैं कि शुगल अपनी जगह पर ये राइड जरा ख्याल से। हां थोड़ा ध्यान करना। यू डोंट नो, आई डोंट नो। ये जी एरिना जहां पर न्यू कमर्स ट्रेंड होते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद उस वाली ग्राउंड में मैचेस होते हैं, एक ये है और एक उससे पीछे। इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि यहाँ पर स्पेसिफिकली पोलो के घोड़े और पोलो के जो राइडर्स हैं ना उन्हें ट्रेन किया जाता है। लाइक रैंडम जो राइड करते हैं वो नहीं है, वो नहीं। यहाँ पे प्रोफेशनल्स तैयारी करते हैं अपने। बिल्कुल ठीक। अभी जैसे वो पीछे घोड़ों को भगा रहे हैं ना, ये इनकी वॉक है, इनको डेली हम। यस मैन, लेकिन तू ऊपर चढ़ा कैसे यार घोड़े के ऊपर टट्टू? यहाँ पर बस अब हम असद का चेजा लेने लगे हैं। असद भाई साहब बैठ गए हैं घोड़े पे। अगर आप थोड़ा तेज करना चाहते हैं ना तो एडी से हल्का सा पुश करें। नहीं बराबर इतनी है यार। देख कामिल अकेला चला रहा है। ओ देखो यार, देखो असद अकेले चलाओ ना, अरे ज्यादा जोर से नहीं मारना ना ना, ये भाग जाएगा। बस इस तरह चलो, शाबाश। अभी चल रहा कह रहा है, काबू नहीं आ रहा। असद ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहे हो? पोजीशन पे आ रहे हो? वेल अभी थोड़े से ना हॉर्सेस को ना तेज करने का कहा गया है, इसको बताया नहीं असद को। असद ये पैदल बंदा इसे जीत जाए, पोजीशन तेरी जोकीज वाली है। असद भाई का घोड़ा थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? जैसा राइडर वैसा घोड़ा, अग्रेसिव। देर से ना चला नहीं जा रहा और जोकी वाली पोजीशन पे आ। यस घोड़े का एम टैग खुर के नीचे। हाँ जी, इसको रोकना कैसे भाई? असद उतर जा। नहीं नहीं मैं अगली लता चुकाऊंगा एंड मेरी पिक्चर खींचे, ठीक है? और तू तले डेग जाएगा। यू वांट टू रिस्क योर लाइफ? नो। ये मेरा वाला पकड़, वो बहुत वो हल्का है। इसको बटिस्टा दो यार। सुबीर भाई आओ जरा, इनको अपनी गेम दिखाएं। पोलो से मेरा बचपन से कोई वास्ता नहीं। आई नो, पोलो थी ना यार, वो एक मिलती थी कैंडी सुराख वाली पोलो। मेरा वास्ता सिर्फ यहाँ तक था पोलो का। ओह माय गॉड, फैसल आई एम गोना एंजॉय यू मैन, आई एम गोना वॉच यू कि क्या कर रहा है तू घोड़े के साथ। ये मजनू भाई का घोड़ा है कोई यहाँ पे? One, two, three. Yes, here we go. जितना मेरा वेट हो गया मैं कैसे जाऊंगा? चलें जी फैसल भाई की बाजी है। ये मेरा ही हिम्मत वाला काम था भाई। चलो चलो मैं मेरा हेयर फेशियल जेड़ा कर रहे हैं ना। हाँ नहीं फैसल यार ऊपर वाली जगह पे ले आ, थोड़ा सा आगे रहो फैसल भी, ज्यादा पीछे नहीं जाना, नहीं लाता ले आ। क्रेन वगैरह नहीं रखी यहाँ पे कोई राइडर ऊपर से बटाने के लिए? चलो ले आओ जैसे लिफ्टर नहीं है। जी जी रेस 3 के राइडर।
नहीं घोड़ा देखता है ना हेलमेट पहना राइडर ने, ठीक है फिर वो प्रोफेशनल बिहेव करता है। नीचे करो, नीचे करो। बैग उठाओ सर, नीचे पोजीशन, फिनिश लाइन के पास हो आप, हो गया फिनिश, ले आओ वापस। क्या बात है, दिल से बता, मजा आ रहा है पैसे। क्रेजी। हाँ फैसल क्या हुआ, थक गया घोड़ा? तीन लैप तो करो ना एटलीस्ट जो मैंने किए हैं। नहीं वो मेरे लैप निकलवा रहा है। कभी किक कर रहा है, हाँ फेशियल भी कर रहा है, बाहर से देखते मजा आ रहा था। कल मैं आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा इसमें बैठने से पहले मुझे लगा था कि यार मैं बहुत अच्छा राइडर हूँ। तू राइटर है, राइटर राइटर वैसे तू ऐसे लग रहा है चरवाहों में जा रहा है। रोको तो सही, रोकना नहीं आया अभी तक ऐसे। हाँ अगली टांगे उठाओ इसकी। पिछले दौर में मरीजों को ऐसे लेके जाते थे जल्दी हॉस्पिटल। मार रहा है तुझे, जरा तेज ले गया। तो जो आगे से टांगे उठाते हैं ये पीछे से उठा रहा है। कुछ भी नहीं करेगा। को पकड़ो बराबर करो। सब्सक्राइबर को मैं कह रहा हूँ, व्यूवर्स को सब्सक्राइब करो, मैंने अपनी जान का रिस्क लिया। क्या बात है, कंट्रोल हा? कंट्रोल उदय, ये मजनू का घोड़ा है। फैसल कमाल हो यार। ये देखें जी। हाँ जी क्या हुआ, थक गया मैं? घोड़ा थक गया। फैसल मक्खियां कंट्रोल कर रही है घोड़े के, तेरे से नहीं हो रहा। सफीर तेरी किस्मत अच्छी है, तुझे तितली घोड़ा मिल गया। आ भैया ये छोड़ना, घोड़ा छोड़ दो, छोड़ दो, संभाल लेगा, समझ गया वो। नहीं छोड़ दे, रुक जाएगा यार। नहीं मार। पिक्चर बन रही है, आप इधर देखो वैसे भी। थोड़ा गर्दन पे हाथ रख इसके, इधर देखो आपने नहीं फेंका। अरे वाह गाइस देख रहे हैं, टांगे पड़ रही हैं। ये देखो मैंने रिवर्स गियर लगाया। क्या बात है, अगली टांगे उठाओ फैसल। 1 2 3 टर्बो। मैं तो इसको एंजॉय कर रहा हूँ फैसल, क्योंकि ये उतरेगा कैसे, स्लो जा रहा है ना फैसल वो। ओए ओए यार टफ जॉब है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? आई रियली एंजॉयड यार, मजा आया। पर मेरे वाले घोड़े बहुत मुश्किल है लाइक। अच्छा ये वाला सफीर का घोड़ा बहुत काम है। मेरे वाला वो 64 GB है ना, ये 256 GB था। हाँ वो नॉन पीटी है, वो वाईफाई पे है, तेरे 4G चल रहा है। 4G चल रहा है, हेलमेट पहनना पड़ा है, गिरा मैं हूँ नहीं यार। मैं व्यूवर्स के लिए जरा फन कर रहा हूँ, अदरवाइज हॉर्स राइडिंग तो नॉट माय थिंग, हमारे बस का काम ही नहीं। ये प्रैक्टिस नेट है पोलो का, एक ग्राउंड ये है, एक इसके पीछे है, वो सामने बॉक्सेस जो है ना वो है हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस। अब जो मेन चीज हमारी, मेरी और तेरी गेम है, हमारे भाई की गेम है, हम वो ग्राउंड देखने आए हैं। और क्या खूबसूरत ग्राउंड है यार। इस्लामाबाद क्लब क्रिकेट ओवर, और बहुत प्यारा है यार ये आउटफील्ड, बहुत अच्छी हो गया सर। यहाँ अच्छी आउटफील्ड है, सॉफ्ट ग्राउंड है, और ये अच्छे फील्डर के लिए बड़ी मजेदार चीज है। डाइव लगा, मर्जी डाइव लगाओ। ये जिन चुड़ैलों के साथ गेम करता है, छोटा है। बाजू में दर्द शुरू हुई है ना बोल करा के, हर अंग में दर्द। सो व्यूवर्स, आपने इंजॉय किया इस्लामाबाद क्लब, जो कि हर कोई बंदा यहाँ पर नहीं आ सकता, इसकी मेंबरशिप चाहिए होती है और वो बहुत आजकल मुश्किल है। लेकिन इस व्लॉग के ज़रिए आप इसका अंदर का हाल देख सकते हैं, कैसा खूबसूरत ये क्लब है और क्या क्या यहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, बड़ी चीज़ें हैं। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें,
मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।